हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक है दोस्तों एम2टोन सीरप। फ्रेंड्स, एम2टोन जो सीरप आती है उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यूज क्या होता है, कब उसको यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, क्या वो मेंस्ट्रुएशन पेन और रेगुलर पीरियड वगैरह में जो है उसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और उसकी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे यूज करते समय क्या परहेज रखना चाहिए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगी। और दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझको बता देना। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एम2टोन सीरप के बारे में। तो एम2टोन सीरप जो होती है उसका यूज कब करना चाहिए, कब नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं एम2टोन सीरप को चर्क फार्मा कंपनी जो है वो इसको बनाती है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। फ्रेंड्स, ये एम2टोन जो आती है 200 ml में 100 रुपए की आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपीज के लगभग जो है 200 ml मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट की सबसे पहले हम बात करें अशोका, लोद्रा, इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट आते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको क्या करना है, जब आप एम2टोन खरीदेंगे तो उसके लेवल पर सब कुछ उसके इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं, इसमें क्या क्या है, तो पढ़ सकते हैं आराम से। अगर यहाँ पे बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसका यूज कब करना चाहिए, एम2टोन सिरप जो होती है इसका यूज हम कब कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लेडी को जो है मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, तब इसका यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, जिनको इरेगुलर पीरियड होते हैं, मतलब कि अनियमित पीरियड होते हैं, कभी हो गए, कभी नहीं हुए, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, तो मतलब उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, उसमें भी एम2टोन सिरप का जो है यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एनोव्यूलेशन में, मतलब कि ऐसी कंडीशन जब जो है अंडाशय जो होते हैं वो अंडे नहीं बनाती है, तब इसका यूज किया जाता है। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान में बहुत सारी मतलब ब्लीडिंग होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तब उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में क्या होता है, जब हमारे इस तरह की कंडीशन आते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड इरेगुलर होते हैं, तो हमारा बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, उस टाइम पे तनाव में रहती है, तो तनाव को कम करती है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करके रखती है, तो इस तरीके के जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है, अच्छा काम करती है उसमें, तो इन चीजों में अच्छा काम करती है। और अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में कि अगर हमको ये यूज करना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको जो है दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, 5 to 10 ml तक, 5 से 10 ml इसका सुबह और शाम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक दिन में 2 चम्मच इसका यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ पूछेंगे कब तक यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 महीने तक इसका आपको यूज करना है, 3 महीने के बाद यूज नहीं करना है। दोस्तों, कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं, जो माएं होती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ये यूज नहीं करना है, और जो गर्भवती महिला है उनको भी इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। और फ्रेंड, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको भी इसका यूज नहीं करना है, जिन महिलाओं में मतलब थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो भी इसका यूज नहीं कर सकती, उनको यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके ओवरडोज के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसकी ओवरडोज लेते हैं तो क्या होगा। फ्रेंड्स, इसकी ओवरडोज ये वैसे तो आयुर्वेदिक है, कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो सकती है, सर चक्कर आ सकता है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम सामने आ सकती है, दिल घबरा सकता है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम ओवरडोज से सामने आ सकते हैं, तो इसके यही साइड इफेक्ट है, वोमिटिंग, स्टोमक पेन और डायरिया, मितली, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है सामने आ सकती हैं। और किसी किसी का क्या होता है, एम2टोन सिरप यूज करने के बाद में उनका वेट बढ़ जाता है, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं एम2टोन सिरप के बाद में मेरा तो वजन बढ़ गया, तो उसका एक साइड इफेक्ट है। दोस्तों, इसको आपको समझ के चलना है, और इस दवाई का यूज बिना डॉक्टर की मर्जी के, बिना मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तभी आपको ये लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे परहेज के बारे में। कुछ दोस्त बोलते हैं कि अगर मतलब हम इसको यूज करते हैं एम2टोन सिरप का, तो क्या क्या परहेज हमें रखने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, कुछ परहेज जैसे तीखा आपको नहीं खाना है, बिल्कुल तीखा नहीं खाना है, और जो ऑयली चीज है उनका बिल्कुल यूज नहीं करना है, तली हुई चीजों को मतलब अवॉइड करना है, उनका बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो इस तरीके की जो आपको परहेज रखना है। फ्रेंड्स, ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप कमेंट करके मुझे बता देना किस तरह की वीडियो आपको चाहिए।